हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको बायोग्राफी से रिलेटेड आपको कीवर्ड बताने वाला हूँ और सब सब हाई क्वालिटी कीवर्ड रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी बायलेस का ये एक नेम है, ये एक्ट्रेस है, अरे सॉरी एक्ट्रेस नहीं एक्टर है। और यहाँ पर 3,82,000 का सर्च वॉल्यूम है, $2 का CPC है, USA का कीवर्ड है। USA का आपको ट्रैफिक मिलेगा माई डियर फ्रेंड्स, और 3 लाख से ज़्यादा भी इसका ट्रैफिक है। मैं आपको सिंपल यहाँ पर गूगल पर सर्च किया और इसकी है ना इसकी बायलेंस अभी क्या है, बायोग्राफी इसके बारे में, इस आदमी के बारे में जिसका नाम है इसकी बायलेंस, इसके बारे में आपको बायोग्राफी बताना। बायोग्राफी बताने के लिए यहाँ पर जैसे मैं सर्च किया हूँ बायोग्राफी, आप देखेंगे ये वेबसाइट है ओपन है यहाँ पर, और आप देखेंगे जो भी बायोग्राफी वाली वेबसाइट यहाँ पर देखेंगे इसकी बायलेंस बायो एज हाइट वाइट नेटवर्क। सिंपली इस वेबसाइट को अगर आप ओपन करके आप देखेंगे इस पर मिलियन का ट्रैफिक है माय डियर फ्रेंड्स, मिलियन का। आप मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर आप देखेंगे 7.39 मिलियन का ट्रैफिक आ रहा है, और इस वेबसाइट पर आप देखेंगे ट्रैफिक जो है USA का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, उसके बाद नाइजीरिया का है ना। तो फ्रेंड्स, और ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। और फ्रेंड्स, इसी तरह के पावरफुल कीवर्ड रिसर्च का मेथड मैं आपको अपने अपने कोर्स में बताता हूँ, कीवर्ड रिसर्च क्रैश कोर्स, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना नहीं आता है तो आप किसी भी पोस्ट को रैंक नहीं करा सकते, किसी भी ब्लॉग को आप सक्सेसफुल नहीं बुला सकते, किसी भी आप फील्ड में आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको ये आना चाहिए। अगर आप मुझसे क्लास नहीं लेना चाहते हैं किसी से भी क्लास लीजिए, किसी से भी कोचिंग ज्वाइन, किसी का कोर्स ज्वाइन कीजिए, कीवर्ड रिसर्च जरूर सीखिए। कीवर्ड रिसर्च ही आपका आप समझ सकते हैं कि कीवर्ड रिसर्च ही सारे ब्लॉग की जान है, सारे ब्लॉग की दिल की धड़कने हैं, पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपका कीवर्ड। अगर आपने सही कीवर्ड पे वर्क किया तो ट्रैफिक डेफिनेटली मिलेगा। और आप सोच सकते हैं अगर आपने हाई क्वालिटी डिफिकल्टी पर अगर आपने कीवर्ड पे वर्क किया, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि रैंक होगा, उसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि रैंक होगा आप कितना भी से ले। और अगर आपने सही कीवर्ड को चूज किया है, कम डिफिकल्टी लो कॉम्पिटिशन वाला, तो इसमें आपको इतना तो मान सकते हैं कि 50% तो रैंक होगा मेरा ब्लॉग है ना, इतना तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने कीवर्ड के साथ, 50% में रैंक करा सकता हूँ है ना। तो कीवर्ड रिसर्च करने का सारा डिटेल आपको सीखना पड़ेगा, लो कंपटीशन हाई सर्च वाले, हाई CPC, लॉन्ग टेल कीवर्ड, चेक SEO कीवर्ड एनालाइज, रैंकिंग फैक्टर, फ्री एक्सटेंशन, पोस्ट रैंकिंग SEO फैक्टर है ना, कॉम्पिटिटर एनालाइज, ये सारा का सारा मेथड आपको सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपली आप मुझे ईमेल कर सकते हैं abhishekkumargautam9616@gmail.com। मैं आपको सारा का सारा कीवर्ड बता रहा हूँ, सारा का सारा मैं आपको डेल, और आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें। मैं आपको अगला कीवर्ड आपको बताने वाला हूँ सिंपल, आप देखेंगे यहाँ पर मैकी पोस्ट है, मैकी अभी ये कौन है ना, 1 लाख का ट्रैफिक, जितना भी कीवर्ड मैं आपको बताने वाला हूँ 1,80,000 1 लाख के ऊपर वाला सारा का सारा कीवर्ड है ना। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और भी पावरफुल मैं आपको USA UK का ट्रैफिक आपको ला के दूंगा। किसी भी कंट्री का आपको कीवर्ड चाहिए तो कमेंट कीजिए, किस कंट्री का कीवर्ड चाहिए कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको कीवर्ड मिलेगा। जल्द से जल्द मैं वीडियो बनाऊंगा, जिस भी कंट्री का आपको कीवर्ड टारगेट चाहिए आप कमेंट करके बताइए कि मुझे इस कंट्री का ये कीवर्ड चाहिए। विद इन आपको 4 से 5 दिन के अंदर मैं उस कीवर्ड के लिस्ट तैयार करके आपको बताऊंगा। तो हमारी इसके बारे में बात करते हैं, मार्की पोस्ट अभी ये कौन है, इसके बारे में मैंने सिंपल यहाँ पर सर्च किया, पोस्ट बायोग्राफी सिंपल आप देखेंगे मार्की पोस्ट बायोग्राफी, इसके बारे में माय डियर फ्रेंड्स बायोग्राफी इसके बारे में की है। यहाँ पर देखेंगे selfcenter.net, अभी ये एक वेबसाइट है selfcenter है ना। मार्की पोस्ट बी की बायोग्राफी एज 8 है ना, किसी भी कीवर्ड को आप टारगेट करेंगे ट्रैफिक 1 लाख से ऊपर ही आपको मिलेगा, 1 लाख से ऊपर, 1 लाख का ट्रैफिक यानी अच्छा खासा आपका, अभी ये मुझे लगता है इस पर कितना ट्रैफिक होगा, लगभग 1,62,000 का ट्रैफिक आ रहा है इस वेबसाइट पे। और इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से कट है, इंडिया से ट्रैफिक है, USA का 21% है, यानी CPC इस पर अच्छा मिल रहा है, CPC इस पर अच्छा मिल रहा है 21% का। आप इसका CPC भी देख सकते हैं 0.04 का है, फिर भी इस पर ट्रैफिक ज़्यादा है जिसकी वजह से CPC इनको अच्छा मिलेगा है ना। तो इस बात का याद रखें, किसी भी कीवर्ड को आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करके आप देख सकते हैं कमाल का ट्रैफिक है, मिनिमम जो ट्रैफिक है यहाँ पर जो वेबसाइट है रैंक कराए, 1 दिन में नहीं रैंक हुआ है, सारा का सारा रूल इन्होंने अप्लाई किया, SEO किया, कीवर्ड रिसर्च किया, तब जाके एक पोस्ट पे इतना ट्रैफिक आ रहा है आज 1 लाख का 1.5 लाख का ट्रैफिक। तो आपको राइट वे में अगर आप काम करेंगे, सही डायरेक्शन में काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, 6 महीने के अंदर आपको सक्सेस मिलेगी। अगर सही वे में काम नहीं करेंगे तो 1 साल भी आप करते रहें नहीं मिलने वाली। तो वैसे मैं आपको बार बार आपको दोहराऊंगा नहीं उसी बात को, तो मार्केट पोस्ट में अगला कीवर्ड आपको दिखाता हूँ है ना, नेटेल से नेटेल लिन एलन लिंड, इसका नाम ही कुछ गजब अजीब है ना,
जो भी है ना, नेटलियन का एलियन लेन ऐसा के लाइन है ना। तो ये है इनका, अभी इनके बारे में सिंपली आपको सर्च करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने सर्च किया, अभी ये अमेरिकन एक्ट्रेस है ना, अमेरिकन एक्ट्रेस है माय डियर। तो सिंपल जो रूल मैं आपको बता रहा बस उसी को आप फॉलो कीजिए। यहाँ पर लिखिए सिर्फ बायो, बायो लिखिए, बायोग्राफी लिखिए, जो भी लिखना है लिखिए। यहाँ पर नाटलिन आयलिन लिंड बायो है ना, इसका नाम ही अजीब है। यहाँ पर से देखेंगे फेमस बर्थडे, यहाँ पर देखें famousbirthday.com है ना, यहाँ पर वेबसाइट है। तो मिनिमम जो मैं आपको, अगर मैं इसको यहाँ पर बायो फैक्ट फैमिली फेमस बर्थडे, सिंपल इस वेबसाइट को ओपन कीजिए है ना, famousbirthday.com वेबसाइट को ओपन कीजिए। मिलियन का ट्रैफिक इसको जनरेट करी है वेबसाइट, ये मिलियन का ट्रैफिक जनरेट करी, आप देखेंगे 26 मिलियन का ट्रैफिक आ रहा है। जो भी कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी वेबसाइट रैंक है, 1 लाख से मिनिमम 1 लाख ट्रैफिक, मैक्सिमम कितना भी जा सकता है आप उसकी सोच भी नहीं सकते है ना। तो सही कीवर्ड पे काम करेंगे, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे काम करना, 1 साल में, 6 महीने में, 7 महीने में आपका जो ब्लॉग होगा सक्सेस, वो पावरफुल ब्लॉग बन सकता है ना। ये सारी जो वेबसाइटें मिलियन का ट्रैफिक आ रही है, आज की वेबसाइटें नहीं है ना। राइट वे में, सही डायरेक्शन में वर्क किया है तब जाके ये वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। जितनी वेबसाइटें मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये बात याद रखें कि एक दिन में ट्रैफिक नहीं जनरेट होता, उसके लिए आपको सही रास्ते पे चलना होगा शुरुआत से ही है ना, तभी जाके आपको सक्सेस मिलती है किसी कीवर्ड को। यहाँ पर अगला कीवर्ड ये रहा एलन लिन का। अभी अगला कीवर्ड आप देखिए, अभी ये इनका जो नाम है 1 लाख का, जिसपे इस पर देखेंगे वॉल्यूम है, 1 लाख का सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा कीवर्ड इसे डिफिकल्टी के साथ मिलना मुश्किल हो जाता है, ढूंढना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। ये इतना आसान नहीं है कि एक वीडियो में आपको बना देता हूँ, चुटकियों ये चुटकी बजाने वाला काम नहीं है। आप अगर ढूंढते हो तो आपको ये पता होगा कि ऐसे ट्रैफिक वाले कीवर्ड को जो मैं आपको बता देता हूँ है ना, एक वीडियो में इतना कीवर्ड मैं आपको बता देता हूँ, सटीक कीवर्ड बताता हूँ, 1 लाख का ट्रैफिक, 2 लाख का ट्रैफिक, 3 लाख का ट्रैफिक, इतने सारे कीवर्ड को आपको निकालने में हो सकता है 1 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लग सकता है। पर अगर आप इस कोर्स को अगर आप अप्लाई करते हैं, मेथड को जिन लोगों ने सीखा है स्पेशली, अगर वो लोग अप्लाई करेंगे तो वो लोग 1 घंटे के अंदर ऐसे कीवर्ड को फाइंड कर सकते हैं, 1 घंटे मिनिमम 1 आवर के अंदर वन ऑफ द बेस्ट कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। ठीक है, ये सारे के सारे रूल है मैं आपको बताता हूँ। अगला जो हमारा है सारा चेक, अभी क्या यहाँ पर देखें 4, यहाँ पर 1 लाख का ट्रैफिक है। अब मैं इस कीवर्ड को आपको सर्च करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने जीरो का सिंपल क्या एक्ट्रेस है, कहाँ की एक्ट्रेस है, सिंपल ये आपको कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पर अमेरिकन एक्ट्रेस है, ये कनाडा है ना, कनाडा की रहने वाली है। सिंपल आपको लिखना है बायो, यहाँ पर लिखना है कुछ भी नहीं लिखना है, आपको बायो लिखना है। बायो लिखने के बाद पूरा डिटेल आ जाएगा, उसके बाद में आप इसको जाके आप डिटेल में अपनी वेबसाइट में आप बताइए कि इनकी बायोग्राफी का फेमस, देखें फेमस कैनेडियंस है ना, फेमस कैनेडियंस .org सारा चेक, बायोग्राफी, लाइफ एंड फोटो, फेमस बर्थडे .com। मैं अभी 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 बर्थडे वाली वेबसाइट का एग्जाम्पल दिया, ये बर्थडे वेबसाइट सेम आप देखेंगे बर्थडे, क्योंकि ये वेबसाइट जो है टारगेट कर रही है उन लोगों को जो बर्थडे विशेष है ना, जो सेलिब्रिटी हैं, सारा का सारा कैनेडियन है, यूएसए के हैं, यूके के हैं, इस तरह कंट्री को ये वेबसाइट टारगेट कर रही है, और सेम उसी से रिलेटेड ये एक वेबसाइट टारगेट कर रही है ना। तो आपको राइट में हमेशा काम करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसकी बात करूँ .org के, या और कोई वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितनी भी वेबसाइट है सारे के सारे उसी कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो मैंने बताया आपको, सारा चेक सारा चेक, सारे के सारे कीवर्ड को ही टारगेट कर रहे हैं। अगला कीवर्ड मैं आपको बताने वाला हूँ माय डियर फ्रेंड्स, ओलिविया कुक है ना, ओलिविया कुक। अभी देखें 88 की का सर्च वर्ड में $3.5 का CPC है, $3.5 का CPC है ना। USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इंडिया है ना, ये इस कंट्री से आपको ट्रैफिक मिलेंगे, मल्टीपल कंट्री से ट्रैफिक आपको 20%, 30%, 10%, 5%, हर कंट्री से आपको ट्रैफिक मिलेंगे इस कीवर्ड पे। अगर आपने सही से वर्क किया तो आपको ट्रैफिक मिलेंगे सारे के सारी कंट्री है ना। ये डेटा कोई भी गलत नहीं दिखाता है, चाहे वो कोई भी टूल हो, डेटा कभी गलत नहीं दिखाता है ना, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। अगर आपको यूज करना आता है तो आपको डेटा समझ में आता होगा है ना। यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर लिखना आपको बायो, बायो लिखा इनको बारे में, ये आ गए है ना। अभी ये कौन है, कैसी मूवी बनाती है, ये ज़्यादातर उस तरह की मूवी बनाती है, क्या करते हैं कि हॉरर मूवी साथ बनाती है ना। थोड़ा सा मैंने पढ़ा था इनके बारे में, ओलिविया के बारे में, कि हॉरर मूवी साथ बनाती है, शायद यही है कि कोई और है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, शायद यही है, हॉरर मूवी बनाती है। तो सिंपल आप देखेंगे यहाँ पर जो वेबसाइट है रैंक है, फिर से आप देखेंगे ये जो वेबसाइट famousbirthday.com, क्यों, क्योंकि इस पर ट्रैफिक है माय डियर फ्रेंड्स है ना, ट्रैफिक है, तभी ये बार बार इस वेबसाइट ये टारगेट कर रही है, और सारे के सारे ये पोस्ट को ये टारगेट ये कर रखी है ना।
ये देखेंगे ये वेबसाइट बार बार रैंक हो रही है क्योंकि ये सारे के सारे कीवर्ड पे टारगेट कर रही है यूएसए यूके वाले जितने भी एक्ट्रेस एक्टर हैं, है ना। तो आप भी अपनी वेबसाइट की छोटी वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च। तो ये मैंने कह रहा कि कोर्स को ज्वाइन कीजिए या मेरा कोर्स ज्वाइन किया किसी और कोर्स ज्वाइन किया, पर आप अपने से भी रिसर्च कर सकते हैं। कुछ मैंने आपको वीडियो भी बनाया है यहाँ पर, कुछ आप उस वीडियो का भी मतलब कि हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे कि कीवर्ड रिसर्च के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन कौन सी वीडियो है ना। कीवर्ड रिसर्च कैसे फाइंड कर सकते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं, यहाँ पर मैंने बताया है ना। तो इसी तरह का एक मैंने वीडियो बनाया है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सा वीडियो है, पर कीवर्ड रिसर्च के बारे में मैंने वीडियो बनाया है छोटा सा, और अपने हिसाब से भी रिसर्च कर सकते हैं। और आप मेरी वीडियो का भी हेल्प ले सकते हैं कैसे मैं कीवर्ड रिसर्च करता हूँ। अगर आपको, हाँ अगर आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत करना है, अगर प्रो लेवल पे आप सीखना चाहते हैं एक्सपर्ट लेवल पे कीवर्ड रिसर्च, तो लाइव क्लासेस आप अटेंड कीजिए। एनी डिस्क पे अटेंड करेंगे आप लोग, 30 से 40 मिनट पर डे क्लास होगा, 5 दिन का क्लासेस है। उसके बाद 5 दिन क्लास खत्म होने के बाद आपको 3 महीने के तक मैं आपको सपोर्ट देता हूँ व्हाट्सएप एंड कॉल का। 3 महीने के लिए मैं आपको सपोर्ट देता हूँ व्हाट्सएप एंड कॉल। संडे संडे आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, कीवर्ड से रिलेटेड, एसईओ पोस्ट रैंकिंग से, यहाँ पर इमेज एसईओ बैकलिंक से रिलेटेड, कोई भी कॉम्पिटिटर का एनालाइज कैसे किया जाता है इससे रिलेटेड। अगर तो आप संडे संडे का मुझे, मैं ऑप्शन देता हूँ आपको कि आप मुझे संडे को कॉल करके आप पूछ सकते हैं। और ये मैं आपको जो टाइम पे आप क्लास को ज्वाइन करते हैं वही टाइम मैं आपके लिए प्रेफर कर देता हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको ज्वाइन करना हो तो ये प्राइस है, 5,000 रुपये इसका प्राइस है। ज्वाइन करो, सिंपल आप मुझे ईमेल कीजिए, सबसे पहले ईमेल करके बताइए कि किस टॉपिक पर आपको सीखना है। अभिषेक कुमार गौतम 9616@gmail.com। फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं यूएसए यूके का अगर ट्रैफिक वाला कीवर्ड चाहिए तो कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए, 100% आपको यूएसए यूके वाला ट्रैफिक मैं आपको निकाल के दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं ना स्टूडियो में।